18% अनएम्प्लॉयमेंट पाकिस्तान में हो गई है, मईशत नहीं चल रही। हमने इकोनॉमी को ग्रो करना है, एग्रीकल्चर पे काम करेंगे, इंडस्ट्री पे काम करेंगे, एक्सपोर्ट्स पे काम करेंगे। 4% पर उस तरह से लुटियां डाल रहे हैं, 4% कोई ग्रोथ रेट नहीं है। जिन ममालिक ने जल्दी और सबसे तेजी से और शिफाफियत से मुतासर तबके की मदद की, वर्ल्ड बैंक के मुताबिक चौथे नंबर पर पाकिस्तान का एहसास प्रोग्राम था। आज दुनिया में पाकिस्तान एक भिखारी बन चुका है। हाँ, वजीर आजम को कोई जहांगीर तरीन के खिलाफ कोई इंतकामी कार्रवाई करने की जरूरत है, ना उनका इरादा है। कभी किसी करप को हाथ डालते हैं तो इज्तम हो जाता है, माफिया इकट्ठा हो जाता है। हम क्या मिलती है, हुकूमत को उल्टाने की बात की जाती है, अक्सरियत को पलटने की बात की जाती है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नसीम ज़हरा टेट। मसाइल काफ़ी हैं, एक अच्छी खबर भी आई और धूमधाम से इस खबर का जिक्र हुकूमत ने किया और अखबारात, बिजनेस रिकॉर्डर वगैरह ने भी कहा, मूडीज़ ने भी कहा कि पाकिस्तान की इकॉनमी की स्टेबिलिटी की बात की, ग्रोथ की बात हुई और एक्सपोर्ट्स की बात हुई। करंट अकाउंट डेफिसिट बहरहाल एक पुरानी कहानी है, उसको देखा जाता है बड़ी स्केप्टिसिज्म से, लेकिन ये कुछ 3-4 चीज़ें हैं। तो हकूमत कह रही है और कुछ लोग भी कह रहे हैं नाकदीन में से कि भाई दिस इज़ अ गुड स्टेप, टेक्सटाइल इंडस्ट्री इज़ पिक्ड अप। दूसरी तरफ आपने सुना एहसन इकबाल साहब और जो अपोजिशन है वो तो कह रही है कि जी हर चीज़ ख़त्म गई, लुट गई, ख़त्म हो गई, ये तो बड़ी जुल्म है। और अभी बिलावल भुट्टो साहब आज कह रहे थे कि कहीं के उन्होंने कहा इतनी महंगाई है कि इस हुकूमत को चाहिए कि जो अवाम को महंगाई का जो सामना है उसके सामने हुकूमत सरेंडर कर दे, इतनी बुरे तरीके से हुकूमत चल रही है। तो एक तरफ ये किस्सा, दूसरी तरफ नाज़रीन जहांगीर तरीन फैक्टर है वो वहीं का वहीं है। अभी अली ज़फ़र की रिपोर्ट नहीं आई, बैरिस्टर अली ज़फ़र की रिपोर्ट आएगी तो पता चलेगा कि अब ये बात आगे किस तरफ जाएगी, क्योंकि जहांगीर तरीन ग्रुप जो है वो जूं का तू है, वो कह रहे जी हमारी बात माने। क्या इस वक्त हुकूमत जो FIRs हैं जो कटे हुए हैं वो वापस किस तरह ले सकती है? अगर वापस इनके FIR लेगी तो फिर बाकी लोग क्या कहेंगे कि जी किस तरीके से अकाउंटेबिलिटी हो रही है? चौधरी निसार साहब भी उभर के आए हैं सामने और उन्होंने आज हल्फ नहीं उठाया, लेकिन 2 दिन में उठा लेंगे, उसका क्या मकसद है, उसका क्या असर होगा? बड़ी दिलचस्प बात यह है कि एक तरफ अखबारात में और एनालिस्ट वगैरह और मीडिया में कहा जा रहा है कि जी 1 पेज पे हैं या 2 पेजेस पे हैं, क्या सीन है इधर पाकिस्तान में, लेकिन आज प्राइम मिनिस्टर गए, उन्होंने ISI में मीटिंग की, आर्मी चीफ भी थे और 3 घंटे ये मीटिंग जारी रही। ये बताया गया कि जो बैनुल अक्वामी सूरत हाल है, खित्ते की सूरत हाल है डिफेंस के हवाले से, उस पर बातचीत हुई, बट श्योरली एज अ सिग्नल 1 पेज और 1 टेबल पे खाना भी खाया गया, 3 घंटे बैठे गपशप भी हुई। तो बहरहाल बात करते हैं, हमारे साथ एनालिस्ट भी हैं और सबसे पहले तो हमारे साथ सेनेटर मुसद्दिक मलिक साहब हैं, सीनियर लीडर PMLN के। वेलकम टू द प्रोग्राम मुसद्दिक साहब। हमें ज्वाइन किया है जाहिद हुसैन साहब ने, ऑथर हैं, राइटर हैं, डिफेंस एनालिस्ट हैं, उनकी हाल ही में किताब आई है नो विन वॉर, पैराडॉक्स ऑफ पाकिस्तान US रिलेशंस, द बेस्ट पर्सन टू आस्क। के आज अखबार में खबर आई कि शायद पाकिस्तान कोई एयर स्पेस दे रहा है, कुछ बेस दे रहा है अमेरिका को, उनसे पूछेंगे इसका क्या मकसद। रीड द बुक अगर आपने पाकिस्तान US की जो कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप है उसको समझना है, नो विन वॉर बाय जाहिद हुसैन। फरूख सलीम साहब हैं हमारे दोस्त, इकोनॉमिस्ट हैं और इकॉनमी पे और पॉलिटिकल इकॉनमी पे इनकी बड़ी नज़र रहती है, हुकूमत के थोड़ी देर के लिए स्पोक्स पर्सन भी थे। हमें ज्वाइन करेंगे हुकूमत से सदाकत अली अब्बासी साहब, बट लेट स्टार्ट विद मुसद्दिक मलिक साहब। मुसद्दिक मलिक साहब, चौधरी निसार साहब से क्या कोई आप लोगों की गपशप हुई है जिसके बाद बाहर वो आए हैं? नहीं, मेरे ख्याल में हमारी तो कोई ऐसी बातचीत मुझे नहीं मालूम, और मेरे पार्टी के अंदर जितने भी दोस्त अहबाब हैं उनसे गुफ्तगू में भी कोई ऐसी चीज़ सामने नहीं आई। फिर उनका अपना भी जो बयान आया है वो गालिबन इसी तनाजुर में आया है कि सियासी जो स्पेस है उसको खाली नहीं छोड़ना चाहिए, और उसी सिलसिले में वो आगे बढ़ रहे हैं। मगर आज बड़ी अफवाहें गर्म थीं कि हुकूमत की कोशिश ये है कि उनको हल्फ ना लेने दें, आज बहुत अफवाहें चली हैं। और आप तो कह रही थी कि वो 2 दिन में हल्फ ले लेंगे, लेकिन हमें तो कुछ अफवाह ये भी सुनने को मिली है कि शायद कोई हुकूमत इस दौरानिए में ऑर्डिनेंस ले आएगी
कि अगर आपने 60 दिन के अंदर या 180 दिन या 120 दिन के अंदर हलफ नहीं उठाया तो फिर आप हलफ नहीं उठा सकते। तो ये जो आज इत्तफाकी तौर पे स्पीकर साहब गायब हो गए और उसके बाद डेप्टी स्पीकर गायब हो गए और उसके बाद वो जो भी प्रिजाइडिंग वक्ती तौर पे उन्होंने भी हलफ नहीं लिया, तो ये कुछ ऐसी कोई हुकूमत की कुछ परेशानी लगता है कि छोट यानी एक शख्स के अपने ओथ लेने के ऊपर अगर इस कदर परेशानी है तो आपको कुछ अंदाज़ा होना चाहिए। जैसे आप भी अंदिया दे रही थी कि आज दोबारा से एक पेज के लिए खुद चल के गए, पेज को दोबारा कुछ उसमें दराड़े वगैरह थी, रिंकल्स पड़ रहे थे। मैंने तो नहीं कहा रिंकल्स, मैंने कहा ये बातें कही, आई डोंट बिलीव रिंकल्स, आई थिंक इट्स अ स्टॉर्म। मैं तो ऐसे आपके आपके दिल लगी कर रहा हूँ और प्रोग्राम को आगे जरा बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन बहरहाल यानी इसको एक इशू बनाने की कोशिश करनी और फिर जो र्यूमर मिल अब चल पड़ी है कि गालिबन कोई हुकूमत ऑर्डिनेंस लाना चाह रही है इस तरह का, इस पे तबसरा होना चाहिए। और मुझे लगता है कि शायद चौधरी साहब को अदालत के जरिए इस हुकूमत को टैकल करना पड़ेगा, वरना शायद ये हुकूमत का तो मूड नहीं बज़ाहिर लग रहा। आपका मूड है कि अदालत के जरिए हो? नहीं, तो नहीं, हमारा मूड नहीं है। हम चलते हैं जाहिद हुसैन साहब के पास। जी जाहिद, जरा इस पर कमेंट करें। और ये भी बताती चलूं मैं आपको कि कुछ ही देर पहले एक चैनल ने ये खबर भी पूरी फिल्म चलाई कि पिछले साल 2020 में एक MPA हैं जिनको हलफ पैनल ने उठवाया था किसी होटल में, बिकॉज उस कोरोना की वजह से दे वांट मीटिंग इन द असेंबली, और जाहिद आज इसलिए हलफ नहीं उठाया क्योंकि उन्होंने कहा ना स्पीकर थे ना डिप्टी स्पीकर थे, एंड उन्होंने कहा कि पूछेंगे ये कानूनी इसकी हैसियत क्या है, ये हो सकता है या नहीं हो सकता। उतनी देर में एक चैनल ने पूरी फिल्म चला दी कि 2020 में आपके अपने MPA को इन्हीं सर्कमस्टांसिस में उन्होंने हल्फ उठाया था। जाहिद, हाउ डू यू सी दिस? देखिए, पहली तो बात यह है कि ठीक है, ये जो जो इस किस्म की चीजें हो रही हैं वो नहीं होनी चाहिए। हल्फ उठाने जो है अगर जा रहे हैं तो उनको दे देना चाहिए। इस किस्म के जो है तनाजात खड़ा करने से कोई फायदा नहीं होता है। लेकिन उससे पहले जो एक बात मैं करना चाहूंगा वो ये है कि चौधरी निसार साहब 3 साल पहले इलेक्ट हुए थे और जो है उन्होंने हल्फ उठाया नहीं, उसकी कोई क्या वजह थी, लेकिन अचानक उनके ख्याल में यह आया कि वो स्पेस खाली नहीं छोड़नी चाहिए। ये उनको पहले सोचना चाहिए था और ये बेहाल एक सही चीज नहीं है कि आपको लोगों ने मुंतखब किया हो इलाकों की अपनी रिप्रेजेंटेशन के लिए और आप 2.5 साल तक जो है वो अपने फरायज नहीं अंजाम दे रहे थे। मेरे ख्याल ये कि ये बात कोई सही नजर नहीं आती है कि जब आप इंतखाब लड़ते हैं फिर आप मुंतखब होते हैं, फिर उसका मतलब ये होता है कि आपके एक लिहाज से नुमाइंदगी है और आप नहीं उठाते हैं। और अब भी मेरे ख्याल ये तो उसकी वजह ये नहीं थी जो चौधरी साहब कह रहे हैं कि वो स्पेस खाली नहीं छोड़नी चाहिए। असल वजह यही थी कि जब से ये ऑर्डिनेंस की बात आई है तो उन्होंने अचानक ख्याल आया कि फिर जो है वो हल्फ उठा लेना चाहिए। लेकिन ये तमाम चीजों के बावजूद भी अगर ये हुकूमत ये चाह रही है कि वो हल्फ ना उठाए तो वो सही थे, वो बात भी सही नहीं है। अब मसला ये आता है कि अगर कानून मौजूद है कि जो है वो हल्फ जब भी चाहे उठा सके, ऑर्डिनेंस अभी कोई आया नहीं है, तो उनको हल्फ ना देने की कोई वजूहत नजर नहीं आती जी। और फिर ऑर्डिनेंस के हवाले से भी यू नो बड़े सीनियर हमारे तजियाकार दोस्त हैं कि हुकूमत को ऑर्डिनेंसेस के जरिए चलवाना कि अगर एक बंदा ओथ उठाने लगा तो एक ऑर्डिनेंस ले आओ, अगर एक बंदे को HEC से रिमूव करना है तो एक और ऑर्डिनेंस, यानी एक बंदे को हायर एजुकेशन से हटाने के लिए आप ऑर्डिनेंस ले आए। आपके ऑर्डिनेंस कानून नहीं, आप कवानीन नहीं आप बना रहे, आप लोगों को विक्टिमाइज करने के लिए अब ऑर्डिनेंसेज लेकर आ रहे हैं। मैं चौधरी साहब के हवाले से बात नहीं कर रहा हूं, मैं तो हायर एजुकेशन कमीशन में सिर्फ तारिक बनूरी साहब को निकालने के लिए जो ऑर्डिनेंस पेश किया गया, मगर ये तरीका क्या है कि आप ऑर्डिनेंसेस के जरिए इंडिविजुअल्स को विक्टिमाइज बिल्कुल जाती है। लेकिन आप लोग भी तो नहीं आते ना ऑन द टेबल जब वो कह रहे हैं इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, आप कह रहे हैं जी हम कुट्टी आपसे नहीं। देखिए, इलेक्टोरल रिफॉर्म के अंदर मैं माफी चाहता हूँ, आप कुछ कहना चाह रहे थे, मैं एक सेकंड लूंगा। देखिए, इलेक्टोरल रिफॉर्म को आगे बढ़ाने के लिए एक तरीका एक आ रहा है ना, बिल की शक्ल में हुकूमत एक बिल टेबल करे, वो रिफर हो किसी कमेटी को, तो उसमें आप तो बैठ के बात ही नहीं करते। भी जब वो आके टेबल करेंगे तो कोई बात होगी ना। वो पंजाबी में कहते हैं कि पिंड वस्या नहीं तो डाकू पहले आ गए ने, कि अगर हम बिल लेकर आए और अगर कह रहे हैं चलें जी, नहीं नहीं मेरा मतलब ये तो मैंने फ्रेज मेटाफर इस्तेमाल किया, बिल्कुल मैं कतन किसी को डाकू नहीं कह रहा, मगर मैं ये कह रहा हूं कि आपने इलेक्टोरल रिफॉर्म को रिड्यूस कर दिया इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग पे।
इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग एक ऐसी चीज है जो 15 से कम ममालिक में है, जर्मनी ने खत्म कर दी, यूनाइटेड किंगडम ने खत्म कर दी, आयरलैंड ने खत्म कर दी, और उस पे आएंगे फिर, बिकॉज देन आई डोंट हैव अ होल डिबेट अराउंड इट, बट वी विल डिस्कस इट, बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। जी जाहिद, क्विकली यू वांटेड टू से नहीं, नहीं, मैं खाली ये बात कर रहा था कि वो तो एक अलग ही एक इशू है जो आप ऑर्डिनेंसेस की बात कर रहे हैं कि क्या हुकूमत को चाहिए कि ऑर्डिनेंसेस के जरिए हुकूमत चलाए, वो तो अलग मसला आता है ना। हम तो इस पे से बात कर रहे थे कि ये जो सिर्फ वाकया आज का हुआ है चौधरी निसार साहब के हल्फ के हवाले से, वो सही है कि बात ऑर्डिनेंस के जरिए नहीं होना चाहिए, लेकिन हमें ये भी देखना चाहिए कि आज के आपके पार्लियामेंट का हाल क्या है। क्या कभी कोई मैं नहीं समझता हूँ कि कभी बैठ के कोई मुस्तकिल मिजाजी से किसी ने सोचा भी हो, चाहे हुकूमत हो चाहे अपोजिशन, कि उनका एक बहुत बड़ा फर्ज ये है कि ये कानून साजी करें। कानून साजी नामी तो कोई चीज इस मुल्क में नहीं बन के आती पार्लियामेंट के अंदर, वो तो एक अलग मसला बन के आता है। अगर आप कानून साजी करने के लिए बैठे और वजीर आजम बनफसे नफीस सुबह उठ के जलसों में कहें कि ये NRO मांगने आ रहे हैं, तो आप कैसे करें कानून साजी? वहां पे जिस तरह की गुफ्तगु वजीर आजम साहब फरमा, देखें ये हाउस का काम है ना, हम भी तो रहे हैं हुकूमत में, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप ऑपोजिशन को लेकर आए हैं। दैट्स ट्रू, हाँ, यू हैव टू क्रिएट एन एनवायरमेंट। लेकिन फरुख, ये बताएं आप कि एक तरफ ये बड़ी वावेला हो रही है कि जी ऐसा तूफान आ गया है, बिल्कुल मर गए, लुट गए, खत्म हो गई इकोनॉमी का जुल्म और ज्यादती, दूसरी तरफ लोग कह रहे हैं कि भाई ये टेक्सटाइल कह रहे हैं कि इट्स बिल्कुल बूमिंग, दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि जी हमें एक्सपोर्ट है वो बढ़ गई है, फिर रिमिटेंसेज आ रही हैं, फिर हालात तो बेहतर लग रहे हैं, स्टेट बैंक ने कोई फैक्ट्स और फिगर्स दिए हैं, तो इज इट अ मिक्स पिक्चर फरुख, या इज इट अ डिजास्टर जैसे ये ऑपोजिशन कहती है? आप सियासी मैदान में नजर दौड़ा लें, आप माशी मैदान में नजर दौड़ा लें, आपको नजर क्या आता है कि सियासत में हम डिस्कस कर रहे हैं कि चौधरी निसार साहब को हलफ क्यों नहीं लेने दिया, जहांगीर तरीन साहब क्या करने चले हैं, शहबाज शरीफ साहब की जमानत क्यों हो गई, मईशत के अंदर पिछले दो दिन से बहस चल रही है, ऑपोजिशन ये कह रही है कि जी हमारे जमाने में तो 5.8% की ग्रोथ थी, हुकुमरान पार्टी ये कहती है जी हमने 3.9% ग्रोथ कर दी, कमाल कर दिया। इसमें आम पाकिस्तानी का मुफाद कहाँ है, चाहे वो सियासत की बात हो चाहे वो मईशत की बात हो, 22 करोड़ पाकिस्तानियों का मुफाद मुझे इस सारे खेल में कहीं भी नजर नहीं आता। क्या सियासत नहीं रही, ये तो इंतकाम शुरू हो गए हैं, दोनों तरफ से इंतकामी सियासत हो रही है, दोनों तरफ से नफरत की सियासत हो रही है, आम आदमी पिसा जा रहा। देखिए आम आदमी के केसेस हैं आटे की कीमत, चीनी की कीमत और महाना बिजली का बिल, चौथा कोई बड़ा इशू नहीं है, ये तीन बड़े इशू हैं। मुझे बताएं कि हमारे सियासतदानों ने, चाहे वो ऑपोजिशन वाले हों चाहे वो हुकूमत में बैठे हों, क्या इन तीन इश्यूज के ऊपर किसी ने कोई बात की, इन तीन इश्यूज के ऊपर कोई कदम उठाया जा रहा है कि इनको किस तरह नॉर्मलाइज किया जाए? ये नॉर्मल सियासत नहीं है, ये नॉर्मल मईशत नहीं है। अब आप नंबर्स फेंक रहे हैं, देखिए हुकूमत हुक्मरान तबका जो है, जो हुक्मरान पार्टी है, वो नंबर्स फेंक रही है। पिछले साल भर वो करंट अकाउंट डेफिसिट की बात करते रहे, अब वो GDP का मामला आ गया है। मुझे बताइए कि जो आम पाकिस्तानी है वो ये सवाल पूछ रहा है कि 3 साल पहले मैं 35 रुपए का किलो आटा लेता था, आज मुझे 75 रुपए किलो क्यों देने पड़ रहे हैं? उसका जवाब क्या मिल रहा है? उसका जवाब मिल रहा है कि जी मुबारक हो, करंट अकाउंट डेफिसिट बहुत बेहतर हो गया है। देखिए जो भी हुकूमत आती है, फरूख इजंट द गवर्नमेंट, थोड़ा सा इस पे मुझे बताइए, मुझे तो हमें तो लगता है जाहिद इस पे प्लीज कमेंट ऑन दिस, के हुकूमत तो लगता तो ये है कि महंगाई के हवाले से तवातुर के साथ फोकस किए हुए कोशिश कर रही है, नाकाम हो रही, कामयाब वो तो जाहिर है इट्स फॉर एवरीबॉडी टू सी, लेकिन आपको लगता है कि हुकूमत को ये चीजें अहम नहीं लग रही जाहिद? देखिए अहम की बात नहीं है, असल बात ये कि क्या उनके पास कोई वाजे एक सिर्फ मौजूद है? नहीं है, क्योंकि आप जिस तरह से हुकूमत चलाई जा रही है वो तो बहुत ही आर्बिट्ररी स्टाइल है उनका बन के आता है। अब जरा इसी से देख लें कि आज से जो है तकरीबन 2 हफ्ते पहले शौकत तरीन साहब, जब मैं हल चंद दिन पहले हुकूमत में आने से पहले, उन्होंने तो ये कहा था कि जो इकॉनमी की हालत बहुत ही खराब है, उन्होंने तो जो तस्वीर खींची थी वो उससे बिल्कुल ही एक उससे एक मतदाद थी जो कि इमरान खान साहब बताते थे।
लेकिन बात यह है कि अब जो है उसी चीज के सडनली हमें पता चला कि नहीं, इतनी भी बुरी हालत नहीं थी, ग्रोथ भी हुई थी। मसला ये कि एक एक जब आप हुकूमत की बातों पे एतमाद ना रहे, और जिस तरह से, और मैं समझता हूँ कि एतमाद खत्म होने की एक सबसे बड़ी वजह खुद हुकूमत है, क्योंकि हुकूमत की तरफ से जो मतदाद सिग्नल्स आते रहते हैं, मतदाद मैसेजेस आते रहते हैं, उससे खुद भी बात लोगों को यकीन नहीं आता है कि जब अगर कोई बात हो भी रही होती है तो वो उस पर भी यकीन करने के लिए तैयार नहीं है। देखिए, ये मेरे साथ पाकिस्तान की तारीख में शायद पहली दफा हुआ है कि इतनी जल्दी, मतलब अभी तक जो हम सुनते आए थे, चाहे वो IMF की रिपोर्ट हो, चाहे वो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट हो, चाहे एशियन डेवलपमेंट बैंक की रिपोर्ट हो, या खुद हम स्टेट बैंक की जो है वो जो आती रही है, उस सब में जो है वो एक दूसरी तस्वीर हमें दिखाई दी रही थी। वो ये जरूर थी कि जो है इकॉनमी जो है वो थोड़ी सी मुस्तहकम जरूर हुई है, जो मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन है वो बेहतर हुई है, मैनेजमेंट सही हुई है, लेकिन ये कहीं भी ग्रोथ के मसले पे ये एक लिहाज से इत्तफाक था कि अभी ग्रोथ हमारी जो है इतनी तेजी के साथ नहीं बढ़ी है, उसकी वजह जो भी हो मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूँ। और तो अब अचानक हमें खबर आती है कि नहीं, 3.94 तो ये फिर एक सवाल तो उठेंगे, सवाल उठेंगे। ब्रेक लेते हैं, लेट्स गो टू द ब्रेक, के बाद आते हैं नाज़रीन, फिर इस गुफ्तगू को जारी रखते हैं, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। असल में मसला ये है कि हर तरफ ही एक सिचुएशन, वो जैसे जाहिद कह रहे थे कि इतनी मुतजाद सिचुएशन है, एक तरफ शौकत तरीन साहब ने आके कहा कि जी एवरीथिंग इज़ ज़ीरो और इतने बुरे हालात रहे, बट फिर सवाल तो वैलिड है कि 3.94% ग्रोथ कैसे आ गई। ये बताइए फरूख, आप बताएं कि इसमें मूडीज का भी कोई फिगर आया हुआ था कि वो भी कह रहे हैं कि जी पता नहीं B+ या समथिंग रेटिंग में बेहतरी आई है। दूसरी तरफ प्राइम मिनिस्टर कह रहे थे, विच इज़ अ फैक्ट, कि वर्ल्ड बैंक ने आपका जो एहसास प्रोग्राम है उसको सराहा है एज आई थिंक टॉप वन ऑफ द टॉप 4 प्रोग्राम्स इन द वर्ल्ड, जो के जिसमें आपने सोशल प्रोटेक्शन के लिए काम किया है। तो क्या कहेंगे, और ये शौकत तरीन साहब ने ये कहा कि जी हम स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स करेंगे, महंगाई का तोड़ ये आएगा, और जो भी कोशिश कर रहा है 2-3 साल से महंगाई तो बढ़ती चली जा रही है, अभी हम देख रहे हैं कि महंगाई रमजान के बाद भी बढ़ती चली गई है। नंबर आया है तो आप यकीन करिए कि दिल को खुशी मिलती है कि मुल्क ग्रो कर रहा है, नौकरियां निकलेंगी, लोगों के हालात बेहतर होंगे। उसके बाद फिर आप एक हैरानगी सी सिचुएशन आ जाती है कि ये क्या हुआ, 6 हफ्ते पहले स्टेट बैंक क्या कह रहा था, वो 1.5-2% की बात कर रहा था, 6 हफ्ते पहले हमारी अपनी हुकूमत 1.5-2% की बात कर रही थी, कुछ ही हफ्ते पहले वर्ल्ड बैंक वाले 1.5-2% की बात कर रहे थे, तो ये अचानक 3.9 का नंबर कहाँ से आ गया। फिर आप हकायक ढूंढने की कोशिश करते हैं तो फिर आपको पता चलता है कि देखिए ये तो एक्चुअली एक पेशीन गोई है जो हुकूमत ने खुद से की है अपनी ही कारकर्दगी के मुतालिक, यानी कि हुकूमत खुद से एक पेशीन गोई कर रही है कि हमारी अपनी कारकर्दगी जो है वो बड़ी बेहतर जा रही है। अभी ये 9 महीने के फिगर्स हैं, 3 महीने के रह गए हैं, इसलिए मैं पेशीन गोई कर रहा हूँ। फिर आपको 2 या 3 बातें जब मालूम होती हैं कि जब हुकूमत ये वाली फिगर लेके आई कि हमने 3.94% की GDP ग्रोथ की है, तो जो स्टेट बैंक के नुमाइंदे हैं उन्होंने ऑब्जेक्शन उठा दी, उन्होंने कहा कि जो आपने गंदम की फसल की इसमें फिगर डाली है वो बहुत ज्यादा डाल दी है, इसलिए नतीजा ये निकला है कि आपकी जो ग्रोथ की फिगर है वो बहुत एक्सेजरेटेड है। फिर हुकूमत पाकिस्तान का अपना जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के इकोनॉमिक एडवाइजर हैं वो उन्होंने एक ऑब्जेक्शन उठा दी, उन्होंने कहा कि जी आपने जो इसमें फिगर डाली है सरमायाकारी की वो बहुत ज्यादा डाल दी है, जिसके नतीजे में आपके पास एक एक्सेजरेटेड फिगर जो है वो सामने आ गई है। फिर बातें सुनने को निकलती हैं, कहा जाता है कि जो PBS वाले हैं, जो पाकिस्तान ब्यूरो स्टेटिस्टिक्स वाले हैं,
उनको किसी तरफ से हुक्म दिया गया था कि भाई हमें तो 4% की ग्रोथ चाहिए, वो जो फिगर लेके आए थे वो उससे कहीं कम थी। अब जाहिद साहब ने जो बात की एतबार की, एतमाद की, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। देखिए, अगर हम ये पैगाम दे रहे हैं सरमायाकारों को मुल्क के अंदर भी मुल्क के बाहर भी कि जो हमारे से फिगर्स आ रही हैं उनके ऊपर ना आप एतबार कर सकते हैं ना उनके ऊपर एतमाद कर सकते हैं, स्टेट बैंक कुछ और कहता है, आलमी जो इदारे मालियाती इदारे हैं वो कुछ और कह रहे हैं, तो ये एक कन्फ्यूजन और अनसर्टनिटी और गैर यकीनी की फजा जिसमें बिजनेस भाग जाता है, जिसमें जो सरमायाकार हैं वो अपने डिसीजन जो है वो डिले कर देते हैं, सरमायाकारी नहीं करते, और उसके नतीजे में फिर होता है जो आपके सामने है। अब आप सोचिए कि 7 करोड़ पाकिस्तानी जो है वो शराय गुर्बत से नीचे थे आज से 3 साल पहले, आज वही फिगर जो है वो तकरीबन 9 करोड़ पाकिस्तानियों की आ रही है। अब मैं दिन गिन रहा था कि इस हुकूमत ने तकरीबन 1010-11 दिन पूरे किए हैं, 1800 दिन का इनका टेनियर है, उसमें से 1000 दिन पूरे हो गए, 50% से ज्यादा वक्त गुजर गया, और औसतन हर एक दिन जो गुजरा है पिछले 1000 दिनों में 20,000 पाकिस्तानी जो है वो शराय गुर्बत से गिर रहे हैं। अच्छा, आपने अहम बात की है, अहम बात की है फरुख, हमें इस ज्वाइन किया हुआ है सदाकत अली बासी साहब ने, सीनियर लीडर हैं पीटीआई के। तो सदाकत साहब, वेलकम टू द शो। ये अभी आप गुफ्तगू सुन रहे थे कि कहीं ये लगा के बड़े अच्छे फिगर्स आए 3.94 ग्रोथ के, लेकिन उसके साथ साथ ये अभी बता रहे थे हमें फरुख साहब के हकूमत के अपने ही इदारों ने तनकीद की इस पर सवाल उठाया, और साथ साथ वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान में रोज़ाना 20,000 लोग पॉवर्टी लाइन से नीचे जाते हैं, हालात ये हैं, महंगाई का ये हाल है, अनएम्प्लॉयमेंट का ये है। तो एक तरफ ये है, दूसरी तरफ ये जो फिगर्स आ रहे हैं, सदाकत इसको किस तरह से स्क्वायर करें? नसीम, बहुत शुक्रिया। नसीम, ये कह देना कि पाकिस्तान में गुर्बत है, पाकिस्तान में हालात ठीक नहीं है, महंगाई है, ये बिल्कुल हकीकत पे मबनी बातें हैं, और हमने कोई ऐसा बुलंदोबांग दावा नहीं कर दिया कि पाकिस्तान में गुर्बत खत्म हो गई है, पाकिस्तान में महंगाई खत्म हो गई है, जिस मुल्क को बदस्तूर 25-30 साल दोनों हाथों से लूटा गया हो उस मुल्क को हालात को ठीक करने में बिल्कुल टाइम लगता है। हम जो बात कर रहे हैं वो फैक्ट्स हैं जो पाकिस्तान के नेशनल आपके जो ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स है उसके फैक्ट्स हैं, जो पूरी दुनिया के जो बड़े बड़े बैन अक्वामी मुआशी इदारे हैं उनको जो फैक्ट्स जाते हैं उनकी बात कर रहे हैं। सबसे पहली बात कि दुनिया में पिछले जो साल था वो अक्सर मुल्कों में नेगेटिव ग्रोथ थी कोरोना की वजह से। आप भी देखें कि ग्रोथ क्या होती है, पूरे मुल्क की जीडीपी होती है। अगर आपके सारे शादी हॉल्स बंद हैं, आपके टूरिस्ट सारे स्पॉट बंद हैं, आपके होटल्स बंद हैं, आपकी ट्रांसपोर्ट पार्टी बंद है, आपकी जितनी लेजर एक्टिविटीज हैं वो सारी बंद है, तो जाहिर है आप अपनी मुल्क की जो ओवरऑल आमदनी है जिसमें जितने सेक्टर्स भी अगर उन पर पाबंदियां हैं तो उन सेक्टर की कारकर्दगी जाहिर है अगर माइनस होगी तो आपका टैक्स रेवेन्यू भी शॉर्टफॉल होगा, आपकी ओवरऑल आमदनी भी नीचे जाएगी, आपकी क्योंकि चीजों की सप्लाई चेन डिस्टर्ब हुई है, इसलिए पूरी दुनिया में महंगाई का भी है। लेकिन कहने की बात यह है कि सारी दुनिया नेगेटिव हमें मार्क कर रही थी, लेकिन 4% की ग्रोथ का जो इस वक्त जो फोरकास्ट आया है वो बड़ा ही हौसला अफजा है उस हालात में कि मुस्लिम लीग नून के 5.5 ग्रोथ थी, लेकिन साथ ही 19.2 अरब डॉलर का बैरूनी करंट अकाउंट का खसारा भी था। आज इमरान खान गवर्नमेंट ने 2 सालों में उस खसारे को काबू किया, खसारे को ना सिर्फ खत्म किया बल्कि अब सरप्लस हो गया 1 बिलियन डॉलर के मुकाबले, 1 बिलियन डॉलर के करीब। इसके अलावा आपकी नवाज शरीफ के दौर में 5 साल में आपकी एक्सपोर्ट गिरती रही, अब हमारी एक्सपोर्ट ऑल टाइम हाई है। इमरान खान के दौर में रेमिटेंसेस भी बढ़े हैं, जब हमें गवर्नमेंट मिली थी उस वक्त 5.5 की ग्रोथ तो थी लेकिन रिजर्व इतने कम हो गए थे कि खुदा ना खासा पाकिस्तान डिफॉल्ट दिवालिया होने के करीब था। आज आपके रिजर्व ऑल टाइम हाई है, आज आपके मुल्क के बारे में सारी इंटरनेशनल एजेंसी स्टेबल डिक्लेयर कर रही है। अगर हमें जो मईशत मिली थी अगर उसमें ग्रोथ थी तो पूरी दुनिया उसको ठीक है। ओके, वी गॉट योर पॉइंट सदाकत, ठीक समझ आ गई जी। एक सेकंड, रही बात ये इमरान खान के स्टैट्स पे शक करना तो ऐसे ही है जैसे आप कोई बात कहें कि आपका कवा सफेद है।
इमरान खान आपको पता है न्यूट्रल। नहीं नहीं एक सेकेंड, ये कोई पर्सनल बातें नहीं हो रही सदाकत, ये तो भाई फेडरल ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स की बात करें। जरा बताइए फरोख, बताएं जो आपने कोट किए हुकूमत के दायरे, यहां कोई बैठ के अपने फिगर्स नहीं बता रहा पैनल में से, ही इज कोटिंग योर इंस्टीट्यूशंस। बताइए फरोख। मैं समझता हूँ कि क्या यहाँ पे मईशत दान बैठे एक दूसरे से बहस करेंगे या जो 22 करोड़ पाकिस्तानियों के इश्यूज हैं। फरोख एक सेकंड प्लीज, फरोख एक सेकंड, कैन यू जस्ट फेडरल ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स का आप कह रहे थे, फिर आपने कहा इकोनॉमिक एडवाइजर, जरा वो रिपीट कर दीजिएगा। देखिए जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के वजारत खजाना के अपने इकोनॉमिक एडवाइजर हैं, उन्होंने ऑब्जेक्शन उठाया था 3.94 की फिगर जो आपने निकाली है उसके अंदर जो आपने सरमायाकारी की फिगर डाली है वो बहुत ज्यादा डाली है, एक्चुअली इतनी सरमायाकारी नहीं हुई, जिसके नतीजे में आपको एक एक्सेजरेटेड फिगर मिल रही है। फिर उनको शटअप कॉल आ गई, फिर उनको बता दिया गया कि आपने तनकीद जो है वो इस फिगर की नहीं करनी। स्टेट बैंक का जो ऑब्जेक्शन था वो बड़ा वादे तौर पर सामने आया, उन्होंने ये ऑब्जेक्शन उठाया कि आपने गंदम की फसल की जो फिगर अपनी जीडीपी ग्रोथ में डाली है वो बहुत ज्यादा डाल दी है, जिसके नतीजे में आपकी जीडीपी ग्रोथ जो है वो बहुत ज्यादा आ गई है। अब ये दोनों डिपार्टमेंट्स जो हैं ये मैं तो नहीं कह रहा हूँ, ये तो वो आपके अपने इकोनॉमिक एडवाइजर कह रहे हैं, ये स्टेट बैंक वाले कह रहे हैं, आप उनको चुप करवा दीजिए, वो उनकी तनकीद के ऊपर उनको उनके उनके मुंह के ऊपर टेप लगा दीजिए तो वो बंद हो जाएंगे। लेकिन बात छुपती नहीं है, और बात देखिए ये पीटीआई के अपने लिए अच्छा नहीं है, ये पीटीआई की क्रेडिबिलिटी के लिए अच्छा नहीं है, ये पाकिस्तान की अपनी क्रेडिबिलिटी के लिए अच्छा नहीं है, ये हम पैगाम जो दुनिया भर में भेज रहे हैं जिसके नतीजे में हमारे ऊपर एतबार कम हो जाएगा, हमारे ऊपर एतमाद कम हो जाएगा, तो ये चीजें सीरियसली पीटीआई के अपने मुफाद में नहीं जा रहे। जी सदाकत, ये तो बात देखें दुरुस्त है कि नेगेटिव ग्रोथ ऑल अराउंड है, पाकिस्तान ने सर्टनली चाहे एक्सपोर्ट में इंक्रीज हुआ है, चाहे आपने सोशल कैपिटल सोशल सिक्योरिटी में आपने यू डन वेल, वो तो कोई डिनाई नहीं कर रहा, लेकिन ये जो फिगर्स हैं ये तो आपके अपने इदारे क्वेश्चन कर रहे हैं। सदाकत देखें अगर फिगर किसी इदारे ने क्वेश्चन किया है तो जो दूसरा इदारा उस फिगर को दे रहा है वो भी सरकारी इदारा है, नंबर एक। नंबर दो, अगर कोई ऐसी बात होगी तो डॉक्टर फरेज साहब को भी पता है कि जब ये तो हम फोरकास्ट कर रहे हैं, जब ये एक्चुअल आएगा तो हम जाहिर है अगर हमने लास्ट ईयर नेगेटिव ग्रोथ मानी है और उसका हमें कोई शर्मिंदगी नहीं हुई कहने में कि हमारी -1.5 थी या -0.5 थी, तो मेरा नहीं ख्याल कि आपको ये नहीं इस तरह इस पर शक करना चाहिए, और वो भी इमरान खान जैसी गवर्नमेंट पे। आप अगर तो कहीं हिसाबदार वाली बात होती वो तो पूरे इंटरनेशनली मशहूर था कि वो फिगर फजिंग करते थे। तो अभी जो जो भी एक ये आप एक बात रिपोर्ट हुई थी वो मेरा नहीं ख्याल कि उसको किसी जगह पर उसको माना गया है, और ओवरऑल जो आपकी मिनिस्ट्री दे रही है या जो आपका फेडरल ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स फिगर दे रहा है और वो मेरा नहीं ख्याल कि महंगाई के हवाले से भी आप वही फिगर यूज करते हैं, बाकी सब भी वो फिगर यूज करते हैं, और यहाँ पे कोई कॉन्ट्रोवर्सी बनेगी तो ये चीजें सामने आ जाएगी। मेरा नहीं ख्याल कि हमारी गवर्नमेंट को ऐसा रिस्क लेगी कि हम अब पाकिस्तान को इस तरह की कोई बदनामी बोले, तो मैं तो इसको अब मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि किस रिपोर्ट को लेकर, लेकिन ज्यादा ये स्पेकुलेशन है लोग मान नहीं रहे थे। ठीक है ठीक है जी जी, आपने क्लियर कर दिया मेरे ख्याल दोनों पर्सपेक्टिव्स हमें। आगे हम ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद आएंगे, बहुत से अहम सियासी सवाल हैं हमारे पास, दोनों पार्टीज के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, एनालिस्ट हैं, वी विल रेज द क्वेश्चन, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, बात हो रही है इकोनॉमी की, कुछ हो रही है माफिया की, शुगर माफिया एक्सेट्रा। ये बड़ी दिलचस्प बात है, ये जो कल से बात उठाई जा रही है कि पंजाब असेंबली ने 17 मई को एक बिल पास किया जिसके तहत जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने पिछले साल कुछ रियायत किया जो शुगर केन ग्रोअर्स थे उनके पास आए
तो उन्होंने कुछ सवालात उठाए, शिकायत की, तो प्राइम मिनिस्टर ने ऑर्डिनेंस जारी किया और बहुत लोग कहते हैं वो अच्छा ऑर्डिनेंस था। उस ऑर्डिनेंस में ये कहा गया कि जो काश्तकार है उसको जैसी उसकी उठाया जाए गन्ने की फसल, उसको 15 दिनों में पैसा दे देना चाहिए, और अगर जो उनकी फसल उठाए और जो फैक्ट्री ओनर्स हैं अगर उनके साथ ज्यादती करें तो उनके खिलाफ, फैक्ट्री ओनर्स के खिलाफ ये क्रिमिनल आप प्रोसीडिंग्स शुरू कर सकते हैं। तो ये है बिल जो प्रोविंशियल असेंबली पंजाब ने 17 मई को पास किया, जिसने के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने जो ऑर्डिनेंस में डाला उसको बिल्कुल रिवर्स कर दिया। तो मुसद्दिक, वन ऑफ द रीजंस जिस पे हम जैसे लोग कहेंगे फिर अगर अगर आप लेके जाते हैं ऐसी चीज असेंबली में जिधर के तमाम पार्टीज के लोग हैं लेकिन तमाम शुगर मिल जो इंटरेस्ट है वो वहां रिप्रेजेंट हो रहे हैं, तो आपने शायद सुना होगा ये जो बिल पास हुआ। तो सबसे पहले तो मैं इनसे पूछती हूँ सदाकत, ये जब बिल का प्राइम मिनिस्टर को पता चला तो वो इस पे बड़े नाराज हुए, तो आगे से उनको ये बताया गया कि जी असल में जब वहाँ सेक्रेटेरिएट पंजाब के सेक्रेटेरिएट में गया तो यानी कि प्रोविंशियल असेंबली के तो उन्होंने कुछ क्लॉजेस बदल दिए हैं, तो ये इसको तो बड़ी हैरानगी की बात होगी कि ये किस तरह से सिस्टम चलता है कि अगर आपके प्राइम मिनिस्टर ने एक पोजीशन ली है उसके बरक्स जाके पंजाब असेंबली में ये पास हो जाए, प्राइम मिनिस्टर को बाद में पता चले और वो कहें ये तुमने क्या किया, फिर आप उसको शायद कुछ कह रहे हैं जी उसको हम कोशिश करते हैं रिवर्स करें, थोड़ा सा हमें बताएं इस पे क्या हुआ। नसीम, वो अंग्रेजी में कहते हैं ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। हमें वाकई बहुत सारे मुश्किलात का सामना है और ये जो हमारे यहाँ एक हम पोलिटिकल माफिया की बात करते हैं और बाकी हम कार्टल की बात करते हैं और ये कारोबारी माफिया जिनके जाहिर है इन्फ्लुएंस है और हर पॉलिटिकल पार्टी में है, लेकिन इमरान खान के होते हुए कोई ऐसा कानून जो जिससे किसी कार्टलाइजेशन को फायदा हो या आवाम में पाकिस्तान का नुकसान हो, चाहे वो किसान है चाहे वो दीगर दूसरे कमजोर तबका है, वो मुमकिन नहीं है। ये मैंने भी पूरा, मुझे डिटेल तो नहीं है लेकिन मुझे पता चला कि कोई कानून पास किया है जिसको इमरान खान साहब के कहने पर दोबारा उसको विथड्रॉ कर लिया गया। वो इससे पहले भी पंजाब का जो इस वक्त किसान है खासकर पंजाब का वो इस दौर में बड़ा खुश है बिकॉज उनको गन्ने की भी फसल के बड़े पूरे पैसे मिले। इससे पहले तो ये माफिया उनको अंडर पे करता था और उनको ब्लैकमेल भी करता था और इसी तरह जो गंदम के पैसे भी हैं वो पहली दफा उनको डायरेक्ट मिले और अब इसलिए गवर्नमेंट हो रही है कि एक किसान कार्ड देके अब जो सब्सिडी है वो भी डायरेक्ट किसान को मिलेगी। तो यही फर्क है पुराने दौर में और आज के दौर में। असेंबली की बात जब तक तो ठीक है लेकिन इमरान खान वहां पे है लोगों के मफादात। जी मुसद्दिक, थोड़ा सा इस पे कमेंट करें, ये जो किस्सा हुआ जिसमें आपकी पार्टी, इनकी पार्टी, सबकी पार्टी के लोगों ने पंजाब असेंबली में सपोर्ट किया है, इस पे मेरे ख्याल में आप काफी देर से कमेंट कर रही हैं, इस पे क्या कमेंट? आई मीन दो तीन बातें हुई हैं। मैं वही देने लगा था आपने जल्दी काट दिया। देखिए बात यह है कि ये बड़ी परेशान कुन बात है, इमरान खान साहब का रवैया सियासत और मईशत दोनों की तरफ एक ही है। जब आप सियासत की बात करें, जिस तरह मेरे भाई कह ही रहे थे कि नवाज शरीफ साहब का दौर जिसमें 35 रुपए का आटा मिलता था, जिसमें 70 रुपए की चीनी मिलती थी, वो नवाज शरीफ का दौर तो चोरों का दौर था। जो साधुओं का दौर है उसके अंदर 100-125 रुपए की चीनी मिल रही है, 600 रुपए की मुर्गी मिल रही है, अगर आप घर की बच्चों की स्कूल की फीस दें तो बिजली का बिल नहीं दे सकते, ये साधुओं की हुकूमत है। तो चोरों की हुकूमत के अंदर लोग बिल भी दे रहे थे, बच्चों को स्कूल भी भेज रहे थे, खाना भी खा रहे थे, माँ बाप की दवाएं भी ला रहे थे और उनकी दुआएं ले भी रहे थे, लेकिन अब साधुओं की हुकूमत के अंदर हर एक की बददुआ लग रही। मगर रवैया ये है कि जब आप सियासत की बात करें तो वो कहते हैं ये चोर हैं पिछली हुकूमत वाले, चलें माने लेते हैं थोड़ी घड़ी भर को। जब आप बात करते हैं कारोबार की तो मेरा भाई कहता है ये कारोबारी तो माफिया है। अब देखें माफिया क्या क्या है, चीनी, पूछा चीनी महंगी हुई, कहा माफिया, ओके, आटा कहा माफिया, बिजली कहा माफिया, पेट्रोल कहा माफिया, रिंग रोड कहा माफिया, यानी कोई दुनिया का कारोबार, दवाइयां महंगी हो गई माफिया, तो साधु कौन है? यानी पांच लोग जो ये 3 स्क्वायर फुट में प्राइम मिनिस्टर हाउस के साथ जुल्फी बुखारी साहब और 5-7 जो नेक लोग बैठे हुए हैं उनको भी निकाला, वो मैं माफी चाहता हूं उनका नाम काट दे गलती से निकल गया। तो कहने का मकसद ये है, आप मुझे बताएं कि सिवाय 4-5 लोगों के, प्राइम मिनिस्टर साहब खुद और 4 उनके दोस्त, कौन है भाई इस मुल्क में जो माफिया नहीं है?
हर वो शख्स, चाहे वो स्कूल चला रहा है वो माफिया है, अस्पताल वाला माफिया है, चीनी वाला माफिया, आटा वाला माफिया है, पेट्रोल वाला माफिया है, बिजली वाला माफिया, कहीं ऐसा तो नहीं कि इनको करना नहीं आता, निकम्मे हैं थोड़े से ना, इनसे बिजली की कीमत जाहिद से पूछते हैं, जाहिद पूछ लीजिए, पूछ लीजिए। आप इमरान खान पे कैसे शक कर सकते हैं? मतलब ये है कि अगर आप पे, अगर आप बातें ऐसी करेंगे तो लोग सवाल तो पूछेंगे। अब ये कि इमरान, ऐसा लगता है कि इमरान खान साहब जो है कहीं और से उतर गए हैं, लेकिन हम जो हकीकत देखते हैं वो तो बिल्कुल पतदार नजर आती है। अब आप कहते हैं, एक दफा मुझे अचानक बैठे बैठे अभी ख्याल आया कि आज से 2 साल पहले टेलीविजन पे आके इस मुल्क के वजीर आजम ने ऐलान किया था कि हमारे समुद्रों से इतना बड़ा ऑयल का जखीरा जो है दरियाफ्त हो चुका है कि वो जो है हमारे इतना बड़ा है नहीं किसी और मुल्क के पास। लेकिन एक हफ्ते बाद खबर आई कि वो फॉल्स किस्म की रिपोर्ट थी, लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब उसको टेलीविजन पे आके उन्होंने ऐलान भी कर दिया था। और आपको यह याद भी होगा कि वजीर साहब हैं जो कि काफी बहुत सारी चीजों की वजह से बहुत मशहूर भी हो गए, कभी बूट भी रख के इस वो टीवी स्टेशन रख देते थे। उनका एक इंटरव्यू आया था जिसमें कह रहे थे कि आइंदा हफ्ते हमें इतनी ज्यादा नौकरियां होंगी कि लोग मुल्क के दूसरे ममालिक के लोग आके यहाँ पे ये नौकरियां तलाश करेंगे। टैक्स इकट्ठा नहीं किया जाएगा, इतना आ जाएगा। तो अब मसला ये है कि ये तो मुझे बाद में मजाक नजर आती है जो चीजें दावे किए जाते हैं, और ऐसे दावे जो है वजीर आजम की तरफ से नहीं करने चाहिए थे। अब दूसरी एक और बात आती कि आप क्या कहेंगे इसको। मैंने पहले भी अभी जो बात की कि शौकत तरीन साहब जो कि वजारत खजाना का अहदा संभालने से एक दिन पहले ये कह रहे थे कि इस मुल्क में बेड़ा गर्क लफ्ज इस्तेमाल किया उन्होंने, बेड़ा गर्क हो गया, हमारी ग्रोथ रुक गई है, हमारी सारी पॉलिसियां उन्होंने सारी 2 साल 2.5 साल की पॉलिसी रद्द कर दी थी। तो अब मसला ये कि लोग तो परेशान हो जाएंगे, मुझ जैसा आदमी बहुत परेशान हो जाता है कि वो बात सही है या ये बात सही है। अब वही लोगों को भी देख लें कि जो है दावे जो किए जाते हैं कि अब मसला ही कि आप थोड़ी सी मुझे अच्छे अच्छे प्रोग्राम भी करते हैं तो उसमें भी थोड़ा सा एहतियात भी, गुटबारी का भी मुजाहरा करना चाहिए। एहसास प्रोग्राम अच्छा है, अच्छा और उन्होंने काम किया है, लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि वो शुरू हुआ था बेनजीर इनकम प्रोग्राम के तहत, उसी चीज को वसत दी गई थी। उस जमाने में भी जो बैन अवी जो इदारे थे उसको कहते थे कि ये सेफ्टी नेट के लिए सबसे अच्छा प्रोग्राम है, ये मैं कल हकीकत है इसको। तो एक चीजों को जो हम दावे करते थे, अच्छा अब इसी पे आइए, 3.9% की ये प्रोजेक्शन है। प्रोजेक्शन में आपको जो है ढोल बजाने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा बुटबारी का मुजाहरा कर लें, इंतजार कर लें, जब हकीकी फिगर आ जाए तो उसके बाद लोग पहले साल भी 3.4 कहा था, फिर 1.9 निकली थी, याद है आपको? ठीक है, तो वी विल हैव टू वेट जब तक कि आते नहीं। और फिर ब्रिगेडियर की टेप भी थी, फिर 35 पंक्चर भी थे, फिर फखरुद्दीन जी इब्राहिम भी थे, अब आप किस किस चीज को रोएंगे? अच्छा, फिर अब वो तो इकोनॉमी पे हम बात करेंगे जब फिस्कल ईयर खत्म हो जाएगा, इकोनॉमी को लग गए 35 पंक्चर। अच्छा ये बताएं सदाकत, इससे पहले कि प्रोग्राम खत्म करें, अली जफर की रिपोर्ट कब आ रही है? देखिए, अली जफर की रिपोर्ट से पहले मैं एक बात कर लूं। जाहिद साहब बता रहे थे कि जी ये जो एहसास का प्रोग्राम है, क्योंकि ये बेंजीन के बेंजीन इनकम सपोर्ट का प्रोग्राम की कन्वर्जन है, तो मुझे बता दें कि बेंजीन इनकम सपोर्ट के प्रोग्राम की जो ट्रांसपेरेंसी थी उसके बारे में कहीं अगर आपके पास कोई रिपोर्ट है तो वो नहीं है। तो मैं आपको कहता हूँ कि उसमें 8 लाख बंदा वो था जो जाली, जो गलत था, जो गरीबों के पैसों पे अमीर लोग यूज कर रहे थे। आप हमारे प्रोग्राम पे कोई एक बंदा बता दें कि जो रिंग रोड पे भी तबसरा कर दे, जिसको गलत किया हो, ये होती है ट्रांसपेरेंसी। हाँ, क्रेडिबिलिटी इस प्रोग्राम की बिल्कुल बियॉन्ड डाउट है, इसमें कोई सवाल नहीं पैदा होता। और ये फर्क है उस दौर में और इस दौर में फर्क है, मंसूबे पहले भी होते थे लेकिन वो कुछ लगा, लेकिन ये मुसद्दिक मलिक साहब कह रहे हैं, जरा कमेंट कर दे, रिंग रोड का बता दें भाई। जहाँ तक बात ये है, यही उसी बात का जवाब है कि कोई जितना मर्जी प्रेशर डाले, सियासी या दूसरा, ये जो रिपोर्टें हैं ये इमरान खान ने खुद कमीशन बनाए हैं और अपने ओन पे ये सारी, लेकिन हर कमीशन में चोर जो है वो आपका वजीर क्यों निकल रहा है? चीनी वाला, चीनी में वजीर, आटे में वजीर, पेट्रोल में वजीर, बिजली में वजीर, ये आपके कैसे वजीर है? बचेगा और ये रिपोर्ट अब मुझे नहीं पता कब आ रही है, बिकॉज ये तो मेरे से पूछिए, सबमिट करेंगे, लेकिन वो जल्दी आ जाएगी। और मेरा ख्याल है पहले ये कहते थे कि जी रिपोर्ट नहीं आएगी, फिर कहते थे रिपोर्ट आ गई तो जहांगीर तरीन का नाम नहीं आएगा,
जब जंगी तरीन साहब का नाम आया, अब इनके नए बहाने के जी वो एनआरओ मिल गया, मेरे ख्याल ये भी इमरान खान जी आप तो को नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकेगा। ठीक है जी, इसी पर प्रोग्राम खत्म करते हैं। अच्छा, इससे पहले खत्म करें, आज आपने चौधरी निसार को वो ओथ नहीं लेने दिया, क्या बात है? बात थी सदाकत अली, इसमें क्या मंतक था? क्योंकि पिछले ही पिछले मैं, साल आपकी एमपीए ने लिया था इन्हीं सर्कमस्टांसेस में ओथ। मैंने सुना है आज कि वो क्योंकि स्पीकर भी नहीं थे और डिप्टी स्पीकर भी नहीं थे, जब भी स्पीकर और डिप्टी स्पीकर नहीं थे, जब भी उन्होंने ऐड कर रहे थे और वो कोई कानून ही उसमें मुंह चुका नहीं, नहीं 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 कानून इजाजत देता है। पिछले साल आपकी एक है एमपीए, उन्होंने हल्फ इन्हीं सर्कमस्टांसेस में उठाया था, पैनल ने उठवाया था फ्लैटीज होटल में लाहौर में। लेकिन बहरहाल चले, वो फिर हमें पता चलेगा अगले एक आध दिन में किसके पीछे क्या मंतक थी। सबका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम आने का। नाज़रीन, इसी पर आज का प्रोग्राम खत्म करते हैं। खुदा हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।